लाउडस्पीकर पर हुई नमाज तो करेंगे हनुमान चालीसा। ये हिंदूवादी संगठनों ने घोषणा की है कि अगर मस्जिद में लाउडस्पीकर पर नमाज हुई तो हम भी मस्जिद के सामने बैठकर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और जैसे ही ये खबर पुलिस प्रशासन को लगी, उनके होश उड़ गए। वो संगठन के कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने लगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मस्जिद के नीचे तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वहीं राधाकुंड मंडल भाजपा अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय ने कहा कि अगर मस्जिद पर बजा माइक तो जामा मस्जिद के नीचे होगा हनुमान चालीसा का पाठ। बताएं, आज जो हनुमान चालीसा का मामला मस्जिद के नीचे था, क्या कुछ मामला था? ये कोई मस्जिद नहीं है, ये सिर्फ हिंदू आबादी को परेशान करने के लिए प्रोपेगेंडा मुसलमानों द्वारा यहाँ बनाया गया है। आप जाकर के देखिए, कहीं भी अगर इसमें मस्जिद का कहीं स्वरूप हो, ना मस्जिद है ना ईदगाह है, और ना ही यहाँ कोई मुस्लिम आबादी है। एक भी परिवार यहाँ मुसलमानों का नहीं, केवल हिंदू आबादी को बेवजह परेशान करने के लिए पांच बार तेज आवाज में यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर बजाया जाता है। रात में बच्चे जब छत पे सोते हैं तो वो भी डर जाते हैं। तो हमारा जब आज हनुमान जी की जब हमारी जयंती है, आज हमारा जन्मोत्सव है हमारे जन्मवली का, तो क्या हम अपना हनुमान चालीसा और उसका हवन यहाँ नहीं कर सकते? तो हमने जब यहाँ अपना प्रोग्राम बनाया था, प्रशासन के लोगों ने हमसे ये निवेदन किया कि आप अपना कार्यक्रम स्थगित करिए, हम इस माइक को जो नाजायज जो ये बजते हैं अवैध तरीके से, हम इनको बंद करवाएंगे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसको बंद रखेंगे, बंद करवा देंगे। उन्होंने कहा भी है अगर ये बंद रहता है तो हमारा कार्यक्रम भी स्थगित रहेगा, और ये चालू होता है तो हम भी अपना कार्यक्रम चालू रखेंगे और निरंतर यहीं चलेगा। अच्छा, हालांकि प्रशासन ने इन कार्यकर्ताओं को लाउडस्पीकर बंद कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ को स्थगित भी कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर मुस्लिम समाज के अनवर हुसैन क्या बोल रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। जिस प्रकार देखा जा रहा है कि मस्जिद से जिस प्रकार माइक उतरवाए गए हैं, हिंदू संगठन वादी की तरफ हनुमान चालीसा को लेकर अपना ऐलान कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? आज रात्रि में गोवर्धन पुलिस गई थी मस्जिद में, उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर बंद कर लें। हालांकि हमारे पास जिला प्रशासन से अनुमति है लाउड स्पीकर नियम समय पर बजाने की, लेकिन फिर भी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, हमने बंद करा दिए। आज दिन में लड़के कुछ वहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने जैसे ही उनके नारे लगाए, इस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब इस तरह का उत्तेजक माहौल बनता है तो थोड़ी सी अंदेशा ये हो जाता है कहीं पहले की तरह जैसे बाइक तोड़े थे ऊपर चढ़ के कोई उपद्रव पैदा ना कर दे। पुलिस प्रशासन को आगाह कर दिया है, कानून एक तरफा नहीं होना चाहिए, कानून दो तरफा होना चाहिए। फिर राज्य की भूमि है, यहाँ आए दिन सब सत्यनारायण की कथा भागवत कथा आयोजन होते रहते हैं, लाउड स्पीकर निरंतर बजते रहते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिलहाल गोवर्धन मस्जिद से लाउडस्पीकर बंद करा दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर वहाँ सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं, लेकिन देखना होगा कि ये विवाद आखिर कहाँ जाकर थमता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।